पब्लिक टीवी आपकी आवाज। महिला जनसंपर्क अभियान के तहत नवीन नगर में आज अल्पना रितेश गुप्ता के द्वारा महिलाओं से जनसंपर्क किया गया। इस दौरान उन्होंने मंदिर में सर्वप्रथम पूजा की और उसके बाद महिलाओं के साथ बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे महिला जनसंपर्क अभियान के तहत दीपा गुप्ता के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अल्पना रितेश गुप्ता रही। इस दौरान महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा दी जाने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और मिलने वाले लाभ से भी अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने महिलाओं के लिए अनेकों योजनाएं चलाकर उनको लाभ पहुंचाने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी 2022 का इलेक्शन है, जिसमें भाजपा की सरकार बनने के बाद एक बार फिर महिलाओं के लिए लगातार इसी तरह से काम किया जाता रहेगा। इस अवसर पर अनेकों महिलाओं ने अपनी सुरक्षा संबंधी सरकार के कार्यों की सराहना भी की। उसके बाद जैसे ही बेटी जन्म लेती है हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, 50,000 रुपए हमारे उसके जन्म से ही, क्योंकि सब जैसे ही जन्म के बाद में जब हमारी बेटी स्कूल जाती है तब उसे पढ़ने के लिए एडमिशन के लिए भी पैसा आता है, फिर जैसे ही 6th क्लास में आएगी फिर हमारे बेटी के लिए 3,000 रुपए, फिर उसी तरह से हर क्लास में बढ़कर 4,000 5,000 हर तरह की स्कॉलरशिप मिल रही है। जब 18 वर्ष की होगी तो हमारी बेटी के लिए अगर आगे पढ़ना चाहेगी तो उसके लिए वहीं से पैसे मिलेंगे बैंक से। ये एक महिला जनसंपर्क अभियान जो प्रदेश से चल रहा है, आज मुझे उसी का ये दूसरा दिन है जो मिलन बिहार में दीपा गुप्ता जी द्वारा रखा गया है। इसके जरिए हम महिलाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, इसमें जो महिलाओं की भागीदारी है तो अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से वो घरों से निकल कर आएँ और जो अपने भारतीय जनता पार्टी को जो भी सहयोग देना चाहें वो दें और पूरा सहयोग दें अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए। वो एकजुट होकर अपने परिवार को जोड़कर, क्योंकि एक महिला ही अपने परिवार को आगे बढ़ाती है और घर में जो संदेश प्रेषित करती है वही सब लोग मानते हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल पर मोहर लगाकर जिताएं और ये संदेश मैं पूरी अपनी महिला बहनों को देना चाहती हूँ। किस तरह का माहौल देखने को मिला यहाँ पर? अब मुझे यहाँ पर पूरा ही फूल सब लोग फूल ही फूल खिलाने के लिए तैयार हैं। मुझे यहाँ पर सभी बहनों में एक उत्साह नजर आया कि वो भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल करवाएंगी और अपने हिंदुत्व की रक्षा करेंगी। देश विदेश में कोविड भी बढ़ता जा रहा है, उसके लिए हम यही संदेश दे रहे हैं कि सभी लोग मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, जितनी हो दूरी से दूरी बनाकर रखें और जो है अपनी स्वयं की देखभाल करें। यही हमारा कोविड के लिए संदेश है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।